तो टुडे विल बी डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेम इज सॉल्युबिलिटी। तो आशा करते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है सबको समझ में आता होगा, बल्कि वो नहीं जानते होंगे कि जो वो काम कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी वाला काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी शरबत बनाते हैं तो वाटर प्लस शुगर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आप शुगर ऐड करते हैं वाटर में तो वो शरबत बनता है कोई भी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं, मतलब जो चीनी मिला रहे हैं, जो शुगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो उस जो जितने फेनोमेना होते हैं उस फेनोमेना को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये सिंपल सा भाषा है, उसको हम आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कि एक्सटेंड टू विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब कि आपको जैसे सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, सॉल्यूट क्या हो गया शुगर, शुगर को जब ऐड करते हैं वाटर में तो वो शरबत बनता है, तो उस प्रोसेस को सॉल्युबिलिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ है एक्सटेंड, ठीक है। तो आप ये भी देखे होंगे कि शुगर को हम लोग ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि उससे ज़्यादा शुगर नहीं घुलने घुलता नहीं है। मतलब कि वो एक एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है जिसके बाद शुगर नहीं घुलता है। मतलब कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जितने होते हैं वाटर के सब भर जाते हैं, इसलिए नहीं घुलता है, ठीक है। इसलिए बोला एक्सटेंड, ठीक है, कि एक ऐसा एक्सटेंड होता है, मतलब इतना हमको चाहिए कि जितना घुल जाए, उसको उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसको एक और परिभाषा से आप बता सकते हैं और में, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिए हैं उसमें कितना ग्राम आपका सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो रहा है, उससे भी आप सॉल्युबिलिटी माप सकते हैं। मान लीजिए कि आप 100 ग्राम वाटर ले लिए और उसमें आप शुगर मिलाते जाइए, आप उससे देखिए कि आप कितना ग्राम उसमें शुगर मिला रहे हैं कि उसमें उसका एक्सट्रीम पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। तो उस पूरे फेनोमेना को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ऐसा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। उसी जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है उसी को हम लोग सेचुरेशन कंडीशन बोलते हैं, आगे ना, इसके बाद डिजॉल्व नहीं होता है। ऐसा कंडीशन आता है जिसके बाद डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन अब एट सेचुरेशन कंडीशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, समझे। ये था आपका तीनों ओवरऑल, एक ही बात को तीन तरीक़े से बोला गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ओरिजिनल में होता क्या है, ठीक है। तो अब इससे एक डाउट आता है कि हम लोग इसको तब पढ़ के रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी है, उसमें सॉल्यूट का यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक टर्म का यूज़ किए हैं, एनर्जेटिक ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब कि कौन एनर्जेटिकली फेवर है, कौन एनर्जेटिकली फेवर नहीं है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि ए बॉन्ड, मतलब सॉल्यूट का कोई बॉन्ड बना है, ए बॉन्ड मतलब कोई भी एटम एटम का बॉन्ड बना है, उसी तरह सॉल्वेंट का एटम एटम का बॉन्ड बना है, उसी तरह सॉल्यूशन का एटम एटम का बॉन्ड बना है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा फेवर होता है, कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवर नहीं होता, ठीक है। तो जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जब होता है और वो जब ग्रेटर देन होता है सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से, तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और ये लेस एनर्जेटिकली फेवर होता है, मतलब ये एनर्जेटिकली फेवर नहीं होता है। लेकिन जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होता है लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से होता है, तो वो एनर्जेटिकली फेवर होता है, मतलब जनरली एनर्जेटिकली फेवर होता है। मतलब कि हर एक सिचुएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद मतलब कि सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहता है कि एज कम्पेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल एनर्जेटिकली फेवर। और एक टर्म से आपको मैं समझा सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी और किस पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये दोनों, जैसे कि आपको आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच, इंथैल्पी पढ़ा होगा, तो ये जो डेल्टा एच होता है पहले लैटिस एनर्जी प्लस आपका हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। जैसा कि मैंने ओवरव्यू में आपको बताया था, क्या बताया था, कि हम लोग सॉल्युबिलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे इन सॉलिड और इन गैस, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग इन सॉलिड में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन गैस में, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले वो सॉलिड जो है उसका नेचर पर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स कि अगर पोलर होगा तो वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। जैसे कि क्या पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा,
ना कि पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, अगर वो नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ना कि वो पोलर सॉल्वेंट में जाकर डिजॉल्व होता है। पोलर सॉल्यूट जैसे कि NaCl, KCl, NaNO3 है, डिजॉल्व होगा वाटर में, इजिली डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, ठीक है। उसी तरह नॉन पोलर पोलर सॉल्यूट क्या होगा, I2 हो गया, एसिड हो गया, ये किस में डिजॉल्व होगा, ये बेंजीन में डिजॉल्व होगा, CCl4 में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसी तरह इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड हो गया। इसी तरह एक चीज पे और डिपेंड करता है, वो क्या है, सेकेंड पैरामीटर इसका क्या है, सेकेंड पैरामीटर है इसका टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को समझना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बहुत सारे टॉपिक में, ठीक है। तो टेम्परेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है इसको ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो किस कंडीशन में सॉल्वेंट मतलब सॉरी ये सॉल्यूशन बनता है, तो किस कंडीशन में सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब कब होगा, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। जैसे कि अगर ये फॉरवर्ड होगा तब ना सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये बैकवर्ड में जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा तब ना सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब मेरे पास जब डेल्टा एनर्जी एंथैल्पी जब ग्रेटर देन जीरो होता है, मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो वो फॉरवर्ड में जाता है। इसलिए इस कंडीशन में, फॉरवर्ड के कंडीशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ओके, मतलब सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ओके। जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन जब बैकवर्ड कंडीशन में क्या होता है कि डेल्टा एच जो होता है वो लेस देन जीरो होता है, मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इस कंडीशन में आपको बैकवर्ड जाता है, मतलब कि पूरा सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कि इस कंडीशन में आपको अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिक्रीज होता है। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।